नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुयुसून पर। और आशा करता हूं कि संक्रमण के इस दौर पे आप सब अपना खास ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिजनों का, अपने मित्रों का, अपने साथियों का, सोशल डिस्टेंसिंग से मास्क पहनकर, हस्त प्रक्षालन करके, सैनिटाइजर का यूज करके, उनका और अपनी सेहत का, दोनों का आप खास ध्यान रख रहे होंगे। इस सुनामी के दौर पे जो हमारी चल रही है कोरोना COVID-19 की, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि देश से विदेश से आप तक जाने पहचाने चेहरे लाएं, वो दिग्गज लोग लेके आएं जिन्होंने देश दुनिया में अपना नाम किया है और कानून के जगत में अपनी प्रबलता हासिल की है। उसी श्रृंखला के चलते हुए आज मैं स्वागत करता हूं श्री अक्षय किशोर जी का। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सुयुसून। थैंक यू सो मच जयंत। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अक्षय से मेरी मित्रता तकरीबन अब 15-20 साल से है। वो GLC मुंबई के ग्रेजुएट हैं, जो कि हमारे देश की नामी गिरामी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से जिनकी गिनती होती है। तो आज चलेंगे अक्षय की उस जर्नी पे, क्योंकि अक्षय की जर्नी बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत रोचक भी है। उन्होंने GLC से अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वो बाहर जाके न्यूयॉर्क में पढ़े, लंदन में उन्होंने काम किया है। करेंटली वो बर्ड एंड बर्ड, एक बहुत नामी ग्रामी UK की फर्म है जिसकी सिंगापुर प्रैक्टिस का कार्यभार संभालते हैं। उसकी कमान जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, आर्बिट्रेशन की कमान सिंगापुर में संभाले हुए हैं। कुछ बीच में वो वापस एक दो बार देश भी वापस आए और उसके बाद विदेश में भी रहे। तो ये जो पूरी उनकी जर्नी है आज मैं उनसे साझा करूंगा। तो अक्षय, हमारी जो शुरुआत रहती है किसी भी औपचारिकता से, जो हम सवाल जवाब करते हैं, इससे पहले हमेशा मेरा एक सवाल होता है कि इससे पहले आप वकील बने, थोड़ा सा हमें अपने शुरुआती जीवन के बारे में, पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये भी बताएं कि वो कौन से पल रहे आपके जीवन में जब आपने सोचा यार अब पढ़ाई कर लेनी चाहिए वकालत की और वकील बनना चाहिए। फर्स्टली थैंक यू जयंत फॉर द काइंड इनविटेशन। मेरी हिंदी में, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं हिंदी भाषी हूँ, मूलतः बिहार का हूँ। मेरी हिंदी उतनी बुरी नहीं है, पर जैसे कहें, जब अभ्यास नहीं रहता तो आदत नहीं रहती बोलने की, तो गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो हो सकता है मैं कोशिश करूँगा जेन्युइनली कि जितनी हिंदी में वार्तालाप हम कर सकें उतना हिंदी में करें, बिकॉज मेरे लिए भी काफी रोचक है हिंदी में बात करना। बट जस्ट गिव एन आंसर टू योर क्वेश्चन, मैं, मेरी पैदाइश पटना बिहार की है जी। तो 1984 में मेरे पिताजी जो हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में कार्यरत थे। तो भले ही मैं पैदा हुआ पटना में, उसके तुरंत बाद नागपुर गया। मेरी स्कूलिंग नागपुर में नहीं थी, नागपुर में बहुत छोटा था। थिंक मैं नर्सरी स्टार्ट किया इलाहाबाद में, इनकम टैक्स कॉलोनी इलाहाबाद। उसके बाद इलाहाबाद से पापा का ट्रांसफर हुआ बनारस, बनारस से ट्रांसफर हुआ जबलपुर, जबलपुर से इंदौर, इंदौर से बॉम्बे। तो जहां तक अब मेमोरी का सवाल है, मेरे फॉर्मेटिव ईयर 7th, 8th, 9th, 10th मैं बॉम्बे में था, सेंट मैरीज ISC स्कूल में। और उसके पहले एक्चुअली मैं डेली कॉलेज इंदौर में हॉस्टल में भी रह चुका था 1-8 साल, क्योंकि जब पापा का ट्रांसफर हुआ तो मिड ईयर में ट्रांसफर हुआ था। तो मम्मी पापा ने सोचा कि इसको हॉस्टल में, यहाँ पे डेली कॉलेज काफी फेमस रेसिडेंशियल स्कूल था इंदौर का, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं बेटा बहुत छोटा है अभी अकेले छोड़ने के लिए, तो उन्होंने बॉम्बे वापस बुला लिया। फिर बॉम्बे में 7th, 8th, 9th, 10th किया। 11th, 12th केंद्रीय विद्यालय में, बॉम्बे में ज्यादातर लोग जूनियर कॉलेजेस में जाते हैं। 10th में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, ठीक ही ठाक थे, मिड 80s में थे, पर टॉप जूनियर कॉलेजेस में साइंस में एडमिशन नहीं मिला। उस समय पिताजी तो चाहते थे बिहारी हूँ, तो बेटा या तो इंजीनियर बनता या तो डॉक्टर बनता जी, या फिर सीधा IAS क्लियर होना होता है जी, UPSC, या फिर वो होता है कि इससे नहीं हो रहा है तो BA करा के इसको IAS करवा दो, UPSC दिलवा दो। पिताजी चाहते थे कि बेटा भी IIT निकाल ले। तो इसी से मेरे पूरी फैमिली में, मेरे जितने कजन्स हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं और मेरी बहन द टू यंगेस्ट इन माय फैमिली ऑफ कजन्स एंड एवरीवन, वो सब IIT वगैरह से पढ़े हैं सब काफी धुरंधर हैं, यू नो, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो पिताजी भी चाहते थे, मम्मी भी चाहती थी कि मैं कर लूँ इंजीनियरिंग। तो उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में CBSE का चयन किया, HSC बोर्ड नहीं, उनको चाहिए था कि CBSE कर लेगा लड़का तो PCM में अच्छा रहेगा। उनको क्या पता था PCM में पास होने के की मुश्किल हो जाएगी 12th में। मैं काफी छाती चौड़ी करके बोलता हूँ, मैं PCM में मेरे जितने मार्क्स थे, मुझे एक्चुअली ओवरऑल परसेंटेज मेरा 12th का बचाया है इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस ने।
वरना मैं मुश्किल से 60% पे रह जाता हूँ। वो तो इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस आ गए, दे गॉट मी इनफ मार्क्स कि मैं जीएलसी में मेरा एडमिशन हो गया, वरना पीसीएम ने तो मेरी नैया डुबो दी थी। मैथ्स हमको समझ में नहीं आता भाई, स्पेशली ट्वेल्थ का। मुझे तो लगता था इसमें इंग्लिश के अक्षर ज्यादा हैं, नंबर कम है, तो ये मैथ्स कैसे हुआ। तो हम उस वाले बैकग्राउंड से हैं जहाँ तक मैथ्स कंसर्न है। तो वही आई थिंक टेंथ में, एंड इट इज वेरी फैसिनेटिंग हाउ लॉ हैपेंड, इट्स एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग। सो माई डैड एंड माई मॉम वर बोथ वेरी क्लियर कि तुम इंजीनियरिंग कर लो तो अच्छा रहेगा। डॉक्टरी रूल आउट कर दिए थे बिकॉज खून देख के ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। तो उन्होंने बोला था ठीक है तुमसे ये ना हो पाएगा तो तुम इंजीनियरिंग कर लो। तो वहां से शुरू हुई टेंथ में। पर नाइन्थ टेंथ में ना मेरा एक पर्सनल ट्यूटर लगाया था उन्होंने, राहुल, वो मुझे अकाउंट्स पढ़ाते थे और मैथ्स पढ़ाते थे जी। वो एक्चुअली लॉयर थे, राहुल करके उनका नाम था, वो लॉयर थे। तो उनसे बातचीत होती थी। फिर टेंथ में जस्ट बिफोर माय बोर्ड एक्चुअली ही गॉट इनटू अ मास्टर्स प्रोग्राम इन द यूएस। तो उनसे फिर मम्मी पापा की बात हुई और वो मास्टर्स करने यूएस जा रहे थे अपना एलएलएम। तो वहां से शायद लॉ एज एन ऑप्शन मेरे दिमाग में आया, राइट। मैं स्कूल में जनरली काफी एक डिसेंट डिबेटर था, यू नो, एलोक्यूशन, एक्सटेम्पो स्पीकिंग, इन सब टाइप के इंटर स्कूल कॉलेज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लेता था। तो आई वाज डीसेंट एट इट, आई वाज नॉट अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, सो टू से। सो एंड आफ्टर 10, दीज आर कोइंसिडेंसेस, सो वन इज राहुल बीइंग अ लॉयर हैविंग दैट बैकग्राउंड। देन पोस्ट 10th समवन टोल्ड माय पेरेंट्स कि एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं टू फाइंड आउट व्हाट अ किड शुड डू। तो उन्होंने हमें भेज दिया वर्ली में कहीं, कोई आंटी ही अपने घर पे एप्टीट्यूड टेस्ट कराती थी। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इसमें साइंस, क्योंकि मुझे फिजिक्स समझ में आता था, मैंने अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, गिवन दैट टुडे आई डू कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ऑनेस्टली आई एम डीलिंग विद साइंस मोर देन हाफ द टाइम एज मच एज आई डील विद लॉ, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आते थे पर वो फॉर्मूलाज वगैरह में ज्यादा रुचि नहीं थी, वो सम सॉल्व करने की रुचि नहीं थी। तो उस एप्टीट्यूड टेस्ट में भी उन्होंने बोला कि आप जनरली जर्नलिज्म देख सकते हैं या लॉ एज ए फील्ड देख सकते हैं। तो वहां से वो मेरे जहन में था। 10th 11th 10th के बाद ऑब्वियसली मार्क्स उतने ग्रेट नहीं थे, भले ही मम्मी पापा बोले कि तुम्हारा आईआईटी का टारगेट रखने के लिए तुमको सीबीएसई में भेजा, मुझे भी पता है, उनको भी पता है कि बच्चे टॉप 5 जूनियर कॉलेजेस में चाहते थे मेरा हो जाए, उसमें हुआ नहीं तो केंद्रीय विद्यालय वाज द ऑप्शन इन मेबी नजर इन बॉम्बे, सीबीएसई स्कूल था। तो वहां भेज दिया, वहां पे हमारे काफी दोस्त हैं अच्छे, वो सब आज अपनी अपनी जगह इंजीनियरिंग करके आगे हैं। मैं उसमें भी पीछे ही था अपने दोस्त सर्कल में भी, पर उन्होंने कभी मुझे बुरा नहीं फील कराया कि मैं उनकी रुचि वाले सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं करता हूँ, इसलिए आज भी हमारी दोस्ती है जी। वो पहले से जानते थे ये कुछ और ही करेगा, उनको भी लगता था। पर 11th का जब रिजल्ट आ गया ना और हम मुश्किल से 12वीं तक पहुंचे, हमने पापा को बोला ये आईटी की क्लासेस भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है। तो तब पापा ने बोला करोगे क्या, तो तब बैठ के थोड़ी डिटेल बातचीत हुई। पापा ने बोला देखो जर्नलिज्म उस समय, आज की तरह हालत जो है हिंदुस्तान में जर्नलिज्म की वैसी नहीं थी, उतना पॉपुलर नहीं था टीवी जर्नलिज्म, उतना नहीं था। तो पिताजी थोड़े एप्रिहेंसिव थे सोच के कि पैसा कैसे कमाओगे, सिर्फ आर्टिकल लिख लिख के कितना कमा लोगे, सबसे बड़ा सवाल हमारे भारतीय परिवारों को पैसा कैसे कमाएंगे। और भाई हम तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मैं तो बताऊं मेरे फादर ने जब रिटायरमेंट ली वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस से, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी गाड़ी खरीद ले अपने लिए, मैंने अपने पिताजी के लिए गाड़ी खरीदी। तो मेरे पिताजी उस बैकग्राउंड से, पहले IRS में थे और IRS वाले काफी बदनाम होते हैं, तो उस हिसाब से पिताजी ने बोला बेटा कमाओगे कहाँ, खाओगे क्या, तुम्हारे लिए छोड़ने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, एक घर तक नहीं बनाया हमने। तो उस हिसाब से फिर पापा ने बोला कि ठीक है चलो फिर लॉ करो। फिर पता करना शुरू किया नेशनल लॉ स्कूल्स, एमिटी, हमने एमिटी का भी एग्जाम दिया था, हमारा वहां भी नहीं हुआ। नेशनल लॉ स्कूल का भी एग्जाम दिया था, हमने हमारा वहां भी नहीं हुआ। तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है, वहां से शुरू हुआ। बेसिकली 11th में पिताजी को रियलाइज हो गया और गैंग्स ऑफ वसेपुर का फेमस डायलॉग है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा
तो आई थिंक पिताजी को वहां पे पता चल गया था बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इंजीनियरिंग छोड़ ही दो तो तो बेहतर है। मैं तो आज भी पापा को बोलता हूँ, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ जैन, मैं पापा को आज भी बोलता हूँ पापा इंजीनियरिंग अगर कर रहा होता ना तो आज तक डिग्री लेने की कोशिश कर रहा होता, ली नहीं होती या फिर पुल तोड़ रहे होते। जी पुल तोड़ रहे होते, ये तो अच्छा है वो डिफेंड कर रहे हैं बतौर वकील। आज आज टूटे पुले पुलों को उसपे जो क्लेम्स आ रहे हैं उनको डिफेंड करा आप रहे हैं, कानून की गोंद से चिपका रहे हैं उसको और उसपे बिल भी बना रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ये बड़ी बड़ी अच्छे आपने जी रोचक बातें बताई अक्षय की, इतना इतना बढ़िया आपका सफर है। एक छोटा सा सवाल शुरुआती जीवन से आपको पूछना चाहूंगा कि फादर आईआरएस में तो जाहिर सी बात है तबादले वाली नौकरी थी, आपने बताया कि कभी कुछ समय उत्तर प्रदेश में निकला, कुछ मध्य प्रदेश में, फिर आप आ गए बंबई, तो क्या वो ट्रांजिशन कैसा रहता है? क्योंकि जब आप बचपन में अलग अलग स्कूल बदलते हैं और बंबई का हवा पानी एकदम अलग फर्क है, महानगर है, और एक छोटे शहर से बड़े शहर में आना, वो ट्रांजिशन आपके लिए कैसा? So all said and done, my dad transferable job में थे, but he was an IRS, right? तो किसी भी शहर में टॉप स्कूल में एडमिशन मिलना प्रॉब्लम नहीं थी। ये इतना फायदा मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि there is every school has to provide for transferable government of India jobs. They have to provide. Forget everything else. They have to provide an admission. तो luckily I got a chance to study in top चाहे इंदौर में, आई वॉज इन डेली कॉलेज, इन जबलपुर आई वॉज इन सेंट अलोशियस, सो आई वॉज ऑलवेज इन दीज जेसुइट स्कूल्स। तो इट अंग्रेजी के साथ प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कई बार होता है आप छोटे शहर से आते हैं, एक अंग्रेजी, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं जीएलसी के कुछ जो छोटे शहरों से आए थे, उनको उनको अंग्रेजी से प्रॉब्लम होती थी जब वो जीएलसी में आए थे, राइट? और हमने हमारी दोस्ती थी, हम लोग सब सेम वो जो सो कॉल्ड हिंदी स्पीकिंग काउ बेल्ट से थे, तो हम सबकी दोस्ती अच्छी थी, हम सब एक दूसरे की मदद करते थे, पर मेरे साथ वो नहीं हुआ क्योंकि मैं हमेशा अंग्रेजी एज अ लैंग्वेज बोलने में, मैं जिन स्कूल में रहा उनको इनकरेज करते थे, चाहे वो इंदौर, जबलपुर, बनारस, कहीं भी हो। दूसरा, जस्ट बिफोर कमिंग टू बॉम्बे आई वॉज इन अ स्कूल कॉल्ड डेली कॉलेज। Now, Delhi College is something like your Mayo College in Sindhya, you know, part of those three Rajputana schools. तो वहाँ पे थोड़ा आँखें खुल गईं देखने के लिए कि लोग जिनके पास थोड़े पैसे होते हैं, तो यहाँ वहाँ पे भी सबसे कम में हम ही थे, पर देख लिया था कि लोग कैसे होते हैं। तो I was never overawed by Bombay, right? I can give you an example though at the same time. When we shifted to Bombay, my sister is 6 years younger than me, so she was very, very young, right? तो वो आई थिंक नर्सरी या लोअर के जी अपर के जी टाइप में थी और उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, और बॉम्बे के एक आध स्कूलों ने उसको एडमिशन नहीं दिया बोल के कि इनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, यू नो, एंड माय 5 year 6 year old सिस्टर एट दैट टाइम हैज सेड थिंग्स टू माय मदर लाइक मम्मी मैं यहाँ स्कूल में नहीं जाऊंगी क्या, नो वन इज गिविंग मी एडमिशन। तो उसका फाइनली गोपी बिरला में हुआ। तो एज यू सेड यस इट वाज अ शॉकर, बट आई डोंट थिंक बिकॉज़ वी move, we've seen different cities, we saw different types of people, it wasn't that difficult. And also, जब आप बॉम्बे में आए तो हम रहते थे इनकम टैक्स कॉलोनी में, तो type people interacted with were the same. And we went to school, we went in the school bus with the same bunch of people. Right. So it was quite organic, you know, the way you became used to Bombay. बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि जो ट्रांजिशन रहा आई थिंक वो एक तरीके से मदद भी मिल जाती है, स्कूलिंग से बहुत फर्क पड़ता है, और आपने बताया कि आप इतने एविड डिबेटर रहे स्कूल में, तो एक वो आदत आदतन आपको ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं हुई। अपने दर्शकों को भी बता दूं अगर, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अक्षय, कि जीएलसी में दाखिले के लिए आपको एंट्रेंस नहीं, बोर्ड्स में या बारहवीं में अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, वो आई थिंक उसका भी वो एक क्राइटेरिया होता है, अनलाइक अदर लॉ स्कूल, तो वहाँ पे एंट्रेंस नहीं कराते हैं। जीएलसी में अभी भी मेरे ख्याल से वो नंबर, ट्वेल्थ के नंबर पे एडमिशन रहता है। यार इस पे आई प्लीड इग्नोरेंस, मुझे नहीं मालूम अभी टेस्ट होते हैं कि नहीं, आई थिंक उस टाइम पे समथिंग, उस टाइम पे नहीं थे, आई डोंट नो अब होते हैं कि जी, क्योंकि मैं आपके यार हमारे टाइम तो बार एग्जाम भी नहीं था, अब तो बार एग्जाम भी है। हां तो मैं आपके भी एक मिनट देता हूं, क्योंकि मैंने भी साइंस से सफर किया है और जीएलसी में मेरा इसलिए नहीं हो पाना था क्योंकि मेरे नंबर ही नहीं थे, मैं तो एमिटी में आ गया। आपने बोला आप जीएलसी में आ गए, तो वो कहानी घूम फिर के एक ही बन जाती है। आते हैं आपके जीएलसी के सफर पे, जरा हमारे दर्शक जो आपको भी पता है कि यंग लॉयर्स। जी जी जीएलसी में मेरा एडमिशन कैसे हुआ ये एक अपने आप में कहानी है।
बताइए उसके बाद क्या सफर अनबिलीवेबल है, करना जी। ये बहुत ही अनबिलीवेबल कहानी है। तो मेरे नंबर इतने नहीं थे, मेरे उस जमाने में टोटल मिला के फुल सब्जेक्ट कुछ 70-odd% आए थे 12th में मैथ साइंस में। जी उस समय आज मुझे इतना पक्का पता है कि कुछ सालों बाद जीएलसी में साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के परसेंटेजेस अलग अलग लेने लगे थे एडमिशन के लिए, पर हमारे समय में नहीं लेते थे। और जीएलसी में दो ग्रुप्स होते थे, दो क्लासेस होती थी, 60-60, 120 स्टूडेंट्स की। 60 वाज नॉर्मल कैटेगरी, 60 वाज रिजर्व कैटेगरी। बट सम मिनिस्टर्स किड वांटेड एन एडमिशन, सो अ न्यू डिवीजन वाज मेड फॉर 3 इयर्स। सम स्टेट दिस थिंग वाज पास्ड हाँ एंड अ सी डिवीजन वाज क्रिएटेड फॉर राइट 3 or 4 years, ओके, जस्ट सो दैट इट डजंट लुक लाइक वो बस एक समय के लिए किया है। तो उन्होंने 3, 4 या 5 साल के लिए एक सी डिवीजन बनाया था। जी उस सी डिवीजन के चलते मुझे एडमिशन मिला। मैं तो विल्सन में बीए के लिए एडमिशन ले चुका था। मेरे अच्छा पिताजी, ऑल्दो बीइंग इन अ पोजीशन व्हिच ही वाज, ही कुड हैव स्पोकन समवेयर एंड गॉटन मी एन एडमिशन, ही रिफ्यूज्ड टू डू राइट इट। लास्ट लिस्ट में, सी डिवीजन की लास्ट लिस्ट में, लास्ट नाम फॉर अदर बोर्ड्स, बिकॉज अगेन आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ HSC, आई डिड CBSE, इज अक्षय किशोर। और वो भी कैसे आया, हम लोग ने तो होप गिव अप कर दी थी। मेरी माँ पापा के पीछे पढ़ के, तुम जाओ एक बार प्रिंसिपल से मिल तो लो, छोटे नहीं हो जाओगे, तुम्हारे बेटे की ही फ्यूचर का सवाल है। पुश पर कर करके मम्मी ने पापा को मैडम राव के पास भेजा। मैडम राव के जी रूम में गए, पापा बोले कि नो मैम, आई डोंट वांट एनी आउट ऑफ टर्न फेवर्स, बट जस्ट वांट टू नो इज देयर स्टिल अ चांस। और मैं विल्सन में था। मैडम राव ने बोला, 1 second, वी आर कमिंग आउट विथ अनदर लिस्ट टुडे सर, इफ योर व्हाट यू आर टेलिंग मी हिज मार्क्स, ही मे बी ऑन दैट लिस्ट। तो राइट उन्होंने रूम में अपने क्लर्क से लिस्ट मंगाई और पापा को बोला, हाँ ये देखिए आखिरी नाम आप ही के बेटे का है। वाह तो पापा ने मुझे विल्सन में फोन किया, और फिर विल्सन वाले मेरी मार्कशीट नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो मार्कशीट लेके 12th की मुंबई यूनिवर्सिटी को भेज दी थी। मैं लड़ के क्लार्क से कबर्ड खुलवा के मार्कशीट लेके, आप विश्वास करेंगे, मैं जैसे चौड़ा अभी दिखता हूँ उतना ही चौड़ा तब भी था, मुझे टैक्सी नहीं मिली। मैं चौपाटी से लेके ए रोड जीएलसी तक भागा हूँ अपनी मार्कशीट लेके, ताकि मेरा एडमिशन हो जाए जीएलसी। अरे दैट इज दैट वाह, यूर रियली ब्रिंगिंग बैक सच मतलब मेमोरीज जयंत विद दिस। आई एम सॉरी, आई हैव टेकन लाइक नहीं नहीं गॉन नहीं इन टू अ इट्स जोन, वंडरफुल, बट इट्स वंडरफुल, क्योंकि ये देखिए दो तीन चीजें दर्शाता है दर्शकों के लिए। एक कि नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। और मतलब अगर मैं ये भी कहूँ कि उस वक्त अगर आप, मैं आपको एक एक्सीडेंटल लॉयर मानू, वरना आज हमारे लीगल जगत के लिए आपने इतना काम किया है, वो मतलब मैं उसकी जितनी मतलब व्याख्या करूँ उतना कम है। क्योंकि कई बार होता है ना कि यू नो द डेस्टिनी इज पेव्ड वे फॉर अस इन अ वे फॉर नॉट यू नो व्हाट वी वांट बट व्हाट वी नीड। तो ये बहुत जरूरी है कि मतलब आपको वकील ही बनना होगा, है ना, आपकी किस्मत में वकील बनने का ही शायद लिखा होगा प्रक्रिया। और देखिए सी लिस्ट में आपका नाम आया, आपका दाखिला हो गया, उसी बहाने हमारी मुलाकात कहाँ मोहाली में हुई, उसके बाद फिर आप दिल्ली आए, फिर मैं बम्बई आया, तो उस बहाने जुड़े रहे। तो वही है किस्मत और डेस्टिनी में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ अक्षर। इतनी बढ़िया आपने रोचक अपनी कहानी बताई। आइए अब चलते हैं आपके जीएलसी के उस दौर पर, कि जब आपने अपना नाम भी क्लियर कर लिया है, अब आप वकील बनने की शुरुआत कर चुके हैं, तो वो 5 साल कैसे निकले जरा उसके बारे में बताइए। और खासकर मैं हमेशा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि हमारे यंग दर्शक हैं, तो उनके सवाल रहते हैं कि सर इंटर्नशिप का रोल, मूड कोर्ट का रोल, इंटर्नशिप का रोल और बाकी जो भी आपने को करिकुलर एक्टिविटीज की हो उसका रोल भी आप साझा करें, क्योंकि उसके बाद हम आपकी मास्टर्स की जर्नी से पे भी आएंगे कि ये कितनी जरूरी चीजें रहती हैं अगर आपको बाद में मास्टर्स करना हो या विदेश जाके अगर आपको काम करना हो। तो पहले इन 5 साल की आपकी जर्नी को रिवाइव करते हैं। Yeah, so I mean, just put it very briefly, you know, for those 5 years, I didn't make it to national law schools. So the first day when I entered into GLC, we had an orientation by two individuals, and I'll name them, Sharan जी Jagtiani and Nandish Vyas. They're quite well-known people in their own right. एमिनेंट लॉयर्स Sharan जी is now a senior counsel in Bombay High Court, one of the youngest. Sharan and Nandish came to do our orientation in the first year, and the one thing that Sharan had said in particular, which has stayed with me for all my 5 years at GLC. उन्होंने कहा था, आप नेशनल लॉ स्कूल में नहीं है, ये कॉलेज बॉम्बे हाई कोर्ट से भी पुराना है। जीएलसी प्री डेट्स द बॉम्बे हाई कोर्ट, विच इज द फर्स्ट फॉर्मल कोर्ट सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ओके, जीएलसी प्री डेट्स इट बाय 3 or 4 years.
when I was in GLC, it celebrated its 150th year. And that's when I came to know there is a world called sesquicentennial, which is for 150th years. We did two research ki 150ve saal ko bolte kya hai. So the thing that Sharon said was GLC is a buffet. Be prepared to serve yourself. And that is actually true for life, for your career. You know, and in the legal profession, you have to be prepared to serve yourself. Whatever you want to achieve, there's no one who's going to come and spoon feed it to you. So we did have classes, right, in GLC. GLC was known ki bachche classes nahi jaate hain. Wo Madam Rao ne bahut koshish ki usko strict karne ki, and kafi had tak hua bhi. But jab hum GLC mein the, attendance wasn't that important. Yaar, subah 6:30 baje lecture hota tha. कौन 6:30 बजे उठेगा और पहुंचेगा 18 साल की उम्र में. हम तो कुछ और ही कर रहे होते थे रात में. But that's not a good advice to any students listening in. Must study, must go to your lectures. और जानबूझ के डिटेल यहाँ पे ओमिट की जा रही है ताकि बच्चों को ध्यान हो. जी. But jokes apart, यार, it was no. So I did not probably go to a 6:30 lecture. But what I did was, I'm probably even today in the history of GLC, I have represented GLC in maximum number of national and international moots within the 5 years. Even in my final year, I did 4 national level moots. Now, that's how I met you. We met through moots, Jen, right? Yeah. That's how we know each other. I've done every moot that I could think of at that time. And today there might be even more. But at that time, whatever was a well-known moot, besides GLC's own moot DMH, which I never did, I've done everything. I've done Amity, I've done NUJS. I've done all the moots. I think you were in the organizing committee. Yeah, I always hosted. I was always organizing the DMH. So that's what I did for my 5 years. I mooted. I mooted like a crazy maniac. I loved it. That was my favorite thing to do in college, was mooting. But there are others who do things like writing articles in law review. Kafi dost wo sab karte the. Main utna law review wagera likha nahi. Main zyadatar mooting hi kiya. Right? Aur jitna zarurat hota tha padh ke exam pass karna hai GLC mein, Mumbai University mein, utna exam pass karne ke liye karna padta hai. To wo padhai bhi ki humne. पर हाँ, मेरा मैक्सिमम टाइम जाता था मूटिंग में और फिर उसके बाद कॉलेज एक्टिविटीज में, जैसे मूटकोट एसोसिएशन के लिए हमारा डीएम हरीश ऑर्गेनाइज करना, मैगजीन के लिए कुछ करना, लॉ रिव्यू के लिए कुछ करना, तो उन सब टाइप चीजों के लिए. सो यू आई वाज व्हाट यू वुड से को करिकुलर एक्टिविटीज, नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर बट को करिकुलर, राइट? सो आई डिड अ लॉट ऑफ दैट. दैट इज व्हाट केप्ट मी एंगेज्ड फॉर 5 years इन जीएलसी, एंड आई हैड अ थॉरली गुड टाइम डूइंग दैट, राइट? ऑर्गेनाइजिंग guest lectures. So I was part of the students committee. I was actually the general secretary in my second year itself for the students committee. So usme involvement, Mootcourt association mein involvement, and then mooting myself. Besides that, a lot of people in GLC, obviously, they go for internships. They do a lot of, because college timing is from 7:30 to 10:30. Then a lot of people also sign up for their solicitors, for which they have to do 2 years of training, and then they do their solicitors. So I did not do that. I did do some internships, which I thought were very helpful. But I, unlike some of my friends who chose to not do moot or write law review articles, I have friends, say, for example, Anand Shah, who's now a partner at AZB, right? If I can remember, Anand joined Wadia Gandhi in his third year and he worked throughout. I mean, third, fourth, fifth year, Anand used to work. Yeah, wo to office chala jata tha 10:30-11 baje tak. And then he was working till late in the night. So a lot of GLC students have that. And that was the beauty of GLC. You got a break at the bar very early in your career because you were able to go to these offices and work. We all made our network because we came to know these lawyers, because we were so active in other. So even when I was organizing moots, right, I was meeting these lawyers to invite them to come and judge our moot courts, right? So that's how I made some connections with my seniors, with the lawyers who had passed up. And so whenever I wanted an internship, it was easy for me to draft up an email and send it to them. I saw your LinkedIn post, by the way, today morning. Very pertinent. I get some shockers, and I don't reply to those. But so we would contact them. We would ask them politely, send them our CVs. Sometimes they would ask for writing samples, we would send. So that's how you made that connection. You just had to strive. You knew at GLC that at the end of the 5-year program, unlike national law schools, we're not going to have a recruitment drive, right, which is going to land us a job. We had to find our own job.
You know, we did have it. Having said that, GLC's recruitment team strived their best to get law firms in. But the fact of the matter is, we didn't have the AZBs and the Luthras and the Amarchands then coming in to recruit people from GLC. Right. I mean, that's such a wonderful narrative, Akshay, because jitne bachche young lawyers bhi jo humse judte hain ya non-lawyers bhi judte hain, to mehnat jo hai, dekhi, mehnat se aap bhaag nahi sakte. Aur jo networking ki baat Akshay ne itni khoobsurti se bayan ki, ki jab bhi aap kisi wakil ke paas ja rahe hain, unke daftar mein ja rahe hain, to dekhiye, ek baat to samajhne ki hai ki unka jo time important hai, they are already busy people, to thodi si formality hamare profession mein wo zaruri hoti hai. Aapko dusre ke time ko bhi respect karna hai jitna aap apne time ko respect karte hain. Aur jo hum is post ki baat karein, jab main post likhta hun to meri mansha ye nahi hoti ki bachcho ko dhutkara jaye. ये एक अपील रहती है बच्चों से कि समझिए चीज़ों को, कि दुनिया कितनी फॉर्मल है और हमारे प्रोफेशन में फॉर्मेलिटी की बहुत बहुत एक भारी जगह है, कि आपको मतलब अपने सीनियर्स को अगर आपको उनसे टाइम चाहिए तो यू नो यू मस्ट नो हाउ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस. और इन एडवांस आप अप्लाई करिए अपनी इंटर्नशिप्स के लिए. अगर जैसे अक्षय ने बताया मूट कोर्ट के लिए जा रहे थे, अगर जजेस को भी इन्वाइट करने जाना होता तो उनसे पहले से एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनकी टीम से, उनके ऑफिस से, उनके सेक्रेटरी से, उनके एचआर मेंबर्स से. इतना आसान नहीं होता जस्ट टू land up at a door of a law office or a law firm and then to automatically get an entrance. To badi mehnat lagti hai. To Akshay ne badi achhi baatein batayi, kitni mehnat se unhone apne 5 saal nikale GLC mein, moot courts kiye desh videsh ke, unse unka experience bada acha raha. To Akshay aa jaate hain aapke jeevan ke graduation ki life pe, jab aap graduate kar gaye, aapne turant New York University se masters nahi kiya, mere khayal se aapne ek saal kaam kiya ALMT legal pe. To wo safar kaisa raha, how was the beginning of a career for you, kitna stress tha, aur एक साल के बाद फिर वो क्या दौर रहा आपके जीवन में जब आपको लगा यार अब मुझे एलएलएम करने के लिए बाहर विदेश जाना चाहिए? तो फिफ्थ ईयर के बाद, आई मीन फिफ्थ ईयर आई वाज जस्ट मूटिंग एज आई सेड, आई डिड 4 आई डिड 5 नेशनल लेवल मूट्स, बट अगेन द रिक्रूटमेंट ड्राइव एक्चुअली एएलएमटी हैपेंड टू मी बिकॉज़ ऑफ रिक्रूटमेंट इन जीएलसी. So that was one of the firms that did come to GLC, and I got recruited luckily. Sameer and Hitesh, Sameer Tapia and Hitesh Jain and Ali Fazal Boy interviewed me and recruited me. And I was very clear, yaar, I was a mooter. Mujhe karna tha to litigation hi karna tha, right? I was very clear about that. So ALMT mein litigation team mein start kiya. I still remember, आजकल तो भाई लोगों को क्या क्या पैकेजेस मिलते हैं, हमें तो कोई भी सैलरी नहीं, मतलब मिली थी पर आज की डेट में तो कंपेयर कर नहीं सकते. प्रॉब्ली इन्फ्लेशन फैक्टर इन कर लोगे तो फिर उतना आ जाएगा, बट उस जमाने में वो इतना था कि हम लोग अपना महीना निकाल लेते थे लकीली. पर इट वॉज एन एक्सपीरियंस बिकॉज आई थिंक इन माई फर्स्ट ईयर आई गॉट टू आर्ग्यू वन मैटर against Mr. Tulsapurkar, who was a senior counsel then, you know, because Hitesh wasn't able to come. And Justice Bhosle said, Mr. Counsel, I know you're the junior on the matter, but are you prepared to argue it if I ask you to? And I said, I will. So, jhag to pagalpanti to tabhi se thi. I bola, kar lunga. Kar liya. Order nikal gaya tha. So, I enjoyed myself thoroughly. What changed things for me after 1 year is, like, whether as far as LLM is concerned, mera koi plan nahi tha masters karne ka bhai. Koi plan nahi tha. Main to kala coat pehen ke Bombay High Court mein bahut khush tha. Right? Aur aaj bhi main genuinely mujhse puchoge, main miss karta hu. I mean, abhi COVID chal raha hai, koi court ja nahi raha hai, sab online hearing kar rahe hain, but that camaraderie of sitting in the bar room, of listening to seniors before your case is called out, that waiting, that anticipation, that getting an instruction saying, can you please take time because senior is not here, and the judge saying, in nothing doing, argue. Yes. You know, I've had a few of those in my first year. Yeah. And I was always ready to argue. I never, believe me, Jayant, and that is something to all your young lawyers and students listening. Even if your brief is to go and take time, know your papers. Right, I've seen so many people coming to court not having read papers. Yaar, main ek trick us samay seekhi thi. Ek particular judge the, wo juniors ko time nahi dete the. Especially agar juniors aake bolte the na ki time chahiye, senior ke available nahi hai. Tab to ekdam hi nahi. Maine ek trick seekhi thi unke saath. Main aisa bolta tha, my lords, the matter currently at hand is this, 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 this. Pura explain kar diya. Theek hai, ek summary facts ki 2 minute mein. So, but my lord, my instructions are to seek a time. Because my senior would be arguing. The fact that the judge saw that you were not this kid who just came for the sake of coming and taking time. The judge was like, okay, I mean, you're a valid member of the bar who's read up the papers and you're a
genuine junior who's seeking time for his senior. That helped me. I'm telling you, I've got at least two or three dates because of that. Because I had this style of saying, my lords, this is the case at hand, but I have my instructions are that their senior will be appearing in the matter and the client wants the senior to appear. So if I may get a short pass over, agar usi din hai, ya fir if may I get a short date. So in that 1 year, besides this kind of experience, I got to do the Vodafone, you know, the very famous Vodafone double taxation matter ka writ petition. And that was a lot of international exposure. That matter was quite big. And my dad was, as I said, in IRS. There was a tax background in terms of direct tax with my father. Not that I had a particular liking for tax laws. I had not even taken tax as an optional. Tax ek optional subject tha 5 year mein. Maine nahi liya tha. Maine IP liya tha. So that matter opened up my eyes. And mera, as I said, LLM karne ka koi plan nahi tha. Par mere pitaji ke kuch sapne the apne bete se. उन्होंने बोला बेटा मास्टर्स करने बाहर जाओगे क्या, राहुल भी तो गया था, दैट ट्यूटर ऑफ माइन. माय डैड सेड बेटा मैं फंड तो नहीं कर पाऊंगा, अगर तुम थोड़ा स्कॉलरशिप ले लो तो क्यों नहीं कर सकते हो, अगर राहुल कर लिया तो तुम भी कर ही लोगे. द फनीएस्ट थिंग वाज इवन इन माय 5 years ऑफ लॉ स्कूल आई वाजंट इन द टॉप. इट वाज ओनली इन माय लास्ट ईयर आई थिंक आई वाज इन द टॉप 4-5 पीपल. So my dad, actually, I still remember when I told him on the phone my marks, he said, beta, tumhe kisi aur ke marks dekhenge, ja fir dekh kya. But kyunki wo final year tak aate aate, you know, it dawned on me, I need my marks as well. Besides just mooting. So it's having said that, jokes aside, my dad wanted me to do a master's. So I did application for my master's on a Rajdhani trip from Bombay to Delhi. I'd gone with a friend of mine for a arbitration conference in Delhi. So I got approval from my firm to allow a first year student to go for an international arbitration conference in Delhi. They said, we won't pay for your flight, but we'll pay for your this thing. So I said, no problem, sir. Main train mein jata hun. Ek raat ki train journey hai. So Rajdhani mein baith ke, I remember very clearly, maine apna SOP kiya hai for 3 or 4 colleges. Right. So I'd applied to 4 colleges. One of them was NYU, and they offered me, and with NYU, there's a very famous program, the International Tax Program. Right? The International Tax Program takes only 35 students a year, so very restricted. Before me, there were only 2 Indians who did that program. So I'm the 3rd Indian ever to have qualified for that program. The reason why, again, I qualified is because my SOP and my everything else was concentrated around the Vodafone tax case that I was doing at the time. So, अब ये देखो, इसको बोलते हैं ना, कई बार संजोग होता है किस्मत का. बहुत चीजें जो है ना, मैंने प्रोफेशन में, मैं बोलूं, मैंने बहुत हार्डवर्क किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं, मैंने काफी हार्डवर्क किया अपने लिए, अपने काम को के प्रति, और अपने डू वेल. बट भगवान की भी बहुत कृपा रही है कि चीजें होती गई अपने आप. मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोस गाइस हु से बस मैंने किया, नहीं, मैंने कोशिश की थी, पर वो भगवान का आशीर्वाद भी साथ में था. You know? तो क्योंकि वो वोडाफोन जैसा केस मैं कर रहा था, and it was an international, it has been an international news. Yeah, it was covered in all the newspapers. For a decade. One of the biggest disputes, yeah. For a decade, yeah. So I mean, and that was setting precedent for so many other claims where the department was trying to tax capital gains arising from sale of assets in third countries, but having an impact in India, right? So Vodafone wasn't the only; there was Wipro also after that. So this was huge, and there was respective legislation done, which was challenged by us. So with that write-up, New York University ke professors thought ki bande mein to tax ka bada interest hai, jabki bhai humne to ek hi case kiya tha, par wo hamari kismat nikli aur wo write-up unko pasand aa gaya jo humne likh ke bheja tha, to hame wahan scholarship bhi mil gayi, to hum chale gaye New York. Thode paise apni taraf se bhi lage the, rehne ka kharcha tha, fees ki unhone de diya tha waiver. To mera ek aur college mein bhi hua tha, पर वहां पे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, तो न्यूयॉर्क हमारी किस्मत में था, एंड दैट वाज प्रोबब्ली द मोस्ट फैबुलस ईयर ऑफ माय लाइफ. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट वन ईयर. उस साल में चलते हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के, हम लोग अल्मा मटर भी कॉमन है वो, बस मैं सिंगापुर की तरफ कर गया, आप स्कॉलरशिप लेके न्यूयॉर्क चले गए. हमारी बीवी आपके आपके बाद सिंगापुर, इसलिए हम आज सिंगापुर में फंसे.
जी वो शायद इसी प्रोग्राम में आई थी, NYU at NUS में। जी जी हाँ जी जी एग्जैक्टली तो अब पता नहीं मैंने कितना उनका मार्गदर्शन किया या नहीं किया। अगर मैं बचाऊ आपके सिंगापुर की तो इसके बाद में कुछ बिलेबल आवर्स मार्क कर दूंगा आप लोगों तो आपके न्यूयॉर्क के सफर में आते हैं कि क्या क्या आपने सीखा एक एक पराया देश में जाके, क्या क्या मिलता है, किस तरह की चुनौतियां रहती हैं एक इंडियन स्टूडेंट के लिए वहां पे, एंड हाउ डिड दैट प्रोग्राम वन शेप यू as of Indian lawyer studying abroad, and how did that open multiple gates for you, pursuant to graduating from NYU? I don't know, Jens, what your personal experience was. I mean, you are doing hardcore court litigation, and honestly, bro, that's commendable that you've gone back and you're following the passion. I wish I had the gumption to do it. But if let me ask you a question though, before sure. I answer. Yeah. If you don't mind. Absolutely. As someone who's gone back to do court work, would you still recommend a master's to someone who wants to pursue a litigating career in India? Yeah, or even in a law firm in India? I always tell people, please pursue master's, but not because you want to get a job, but because you want to learn. Because that learning, that you take away from a university like NYU, and I'm not promoting NYU or any foreign university for that matter, which is the top university in the world. जो सिखाने का तरीका है ना, मतलब दिमाग खोल देता है आपका, मतलब जो सोच होती है, जो हमें इंडिया में नहीं, मैं कह रहा कि इंडियन एजुकेशन खराब है, पर वो एक अलग तरह की लर्निंग है जो आपको सीखने को मिलती है। मैं चाहता हूँ चाहे इस प्रोग्राम के जरिए चाहे कैसे भी जरिए, कि वो सोच हमारे देश में आए, इतने इतने बढ़िया बढ़िया, मतलब यू हैव लीगल ब्रेन्स एंड ल्यूमिनरीज, अगर वो हम सोच यहाँ पे ला सकें, आई थिंक विल ब्रिज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट वी आर टॉट इन लॉ स्कूल एंड व्हाट वी डू इन प्रैक्टिस। दैट्स माय टेक ऑन इट। That's very close to what my take on it is. So one is obviously, agar aap American universities mein padhte hain, to you get introduced to Socratic method of learning, yes. Which is very different. Jis tarah se hume padhaya jata hai school se India mein, which is the Oxfordian English system of lectureship, right? So I'm not promoting American universities over British. In fact, for Indians, if you're looking for a job abroad, probably a UK university works a bit better than an American one. You have more avenues, I believe, as British firms are probably more interested in Indian lawyers than American ones. Not that American ones aren't interested. But having said that, and I have friends who've made a career staying in US. They've gone there, then they did a JD, and then they got enrolled in the bar, and American citizens now practicing American law in their fields. But I think for me, there is another take beyond learning of the law, which I value a lot from my master's. It helps you become a global citizen, right? Yes. I'll give you an example, Jayant, at my wedding, both Sony and I have studied in master's, at my wedding, we did a count. There were guests from 28 countries at my wedding. A lot of people like हम तो बिहारी हैं यार, मेरे घर वाले जो है ऐसा लग रहा है किसी इतना विदेशी लोग क्या कर रहा है, but that is a fact I made and those were all masters का friends जो हमारी दोस्ती भी। I had people who had come from Peru, from Panama, from Colombia, from US, from Brazil. To all the way from Singapore, China, and Japan, right? Yeah, yeah. So literally full globe, And I still have those friendships. I know if I plan to take a holiday in Peru, I'm going to go and stay in Fernando's house. Correct. He comes to Singapore, he stays at my place. Those friendships are valuable, and he needs help with something from Peru to Asia, and he needs some legal advice. He reaches out to me. So it's also helped me develop a network, correct? Professional network. So anyone, and it's not easy to decide to do a master's, right, for students, because there is a huge financial implication. I also am a very strong believer, get some work experience before you go for a master's, because then you're improving your chances to also land the job. If you've not got that work experience, it isn't easy unless you have like a training contract, which a lot of students from national law schools get anyways. So for me, that 1 year at master's at New York was fabulous, except the fact that Lehman collapsed the same year. Yes, we all know, 2008. So it was a disaster.
But I think I was one of the very few lucky ones who managed to still get a job, and I moved on from there to London to work at Freshfields. तो आइए आपके उस जर्नी पे चलते हैं। आप अमेरिका से यूके में आ गए, एशोस में आप हैं, अगेन वन ऑफ द लीडिंग फर्म्स इन यूके, मैजिक सर्कल। तो इन यूके आई वाज एट फ्रेशफील्ड्स, फ्रेशफील्ड्स सॉरी, तो आप फ्रेशफील्ड्स में थे, तो वो एक्सपीरियंस बताइए फ्रेशफील्ड्स का। इसके बाद फिर आप इंडिया भी आए थे कुछ कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो यार मेरा इंडिया दो बार आया हूँ बीच में जी। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो जो बॉम्बे हाईकोर्ट का और मेरे काले गाउन का जो चस्का है ना, वो छूटते नहीं छूटता, ठीक है। पर एक बहुत distinct difference hai in how you become used to working in an international law firm setup compared to how we work. It's quite distinct, right? You know, so the thing is, Freshfields happened by grace of God. Again, Lehman collapse kar gaya tha yaar, main wahi bola na, thoda upar wale ki aashirwad ki zarurat hoti hai. To us samay Mr. Pratap Amin was looking to recruit someone with an India background at Freshfields India team. So I didn't get into the litigation team. Right. I was part of the India practice group with Pratap Amin. एक साल उनके साथ काम किया, और फिर मैंने प्रताप भाई को बोल दिया कि सर ये मुझसे नहीं होगा जिंदगी भर, मैं कॉर्पोरेट लॉयर बन के नहीं अपना करियर निकाल सकता हूँ, सो मैं लिटिगेटर हूँ, आई प्रेफर टू डू दैट। So Pratap bhai, being the gracious person, and probably he saw that I had some capability, spoke to jo arbitration field ke diggaj mane jaate hain, people like Constantine Patasiris and Jan Paulsen, who were part of the Freshfields team then. He spoke to them and he helped me switch to the arbitration team then. But I spent about a year and a half at Freshfields. Tab hamari गर्लफ्रेंड, तब की और आज की पत्नी जी, सिंगापुर में थी, उनके लिए इजी नहीं हो रहा था लंदन में नौकरी ढूंढ पाना। हाँ, तो हम ऑलरेडी काफी दिन तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन कर चुके थे जी। तो बात ये हो रही थी, घर वाले भी पूछ रहे थे भाई आगे करने क्या वाले हो, और वापस तो आना ही था मुझे ऐसा लग रहा था। तो हम एजेड भी चले गए, जहाँ पे मेरे गुरु श्री राजेंद्र बरोट, जिनसे मैं जिनको मैं अभी अपना गुरु मानता हूँ लिटिगेशन प्रोफेशन में, उनके साथ काम करके बहुत छोटे स्टिंट में ही, लेकिन आज तक वो रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत अच्छे हैं, उनसे बहुत सीखा छोटे स्टिंट में। पर फिर वो कुछ पर्सनल रीजंस थे फैमिली के, सोनी वापस नहीं आना चाहती थी, तो आई फाउंड माई वे विद द हेल्प ऑफ राजेंद्र। राजेंद्र वॉज सो सपोर्टिव, ही अंडरस्टूड माई पर्सनल रीजंस जी। कुछ फैमिली के साथ इश्यूज थी, सोनी वापस इंडिया के शादी नहीं हो पा रही थी, तो हम लोग बेसिकली, अगर इफ आई एक्सप्लेन इट इन अ वेरी शॉर्ट वे, भगोड़ा शादी कर रहे थे। तो हम लोग, मुझे भागना था, मेरे पेरेंट्स वर मोर देन हैप्पी, पर उसके पेरेंट्स खुश नहीं थे शायद, मैं उतनी उच्च जाति से नहीं था, तो वो थोड़ा ड्रामा हो गया। तो उस वजह से फिर वही किस्मत का खेल है, सिंगापुर आना लिखा था किस्मत में, हम आ गए जी। तो फिर आप छह साल तो वो उनका, अब वो मुझे बताइए कि अब आप और आपकी धर्मपत्नी सिंगापुर में दोनों हैं, और उस टाइम एशोस में आप अपना वैवाहिक जीवन शुरू भी कर रहे हैं और साथ में आप काम भी कर रहे हैं, तो कैसे रहे वो 5-6 साल सिंगापुर में आपकी शुरुआत? Fabulous. I work with a guy called Ben Jereta. He's again amongst the people who I count as my mentors. Being in Ashes, again, you don't pick, right? Sometimes your career picks you, kind of thing. So I was at Ashes. So I did mostly construction and energy disputes, which I still continue to do. It's not like I went finding, I want to become a construction dispute and energy dispute lawyer. Happened with me 5-6 years, some of the biggest cases, some fascinating price review arbitrations. Bhaiya, जमीन के नीचे से तेल कैसे निकल रहा है और क्यों नहीं निकल पा रहा है और उसकी वजह से क्या क्लेम्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ही टेक्निकल डिस्प्यूट्स। अभी रिसेंटली हम विंड टर्बाइन्स पे काम कर रहे थे, तो हमें समझना पड़ा कि एयर फ्लो कैसे होता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है टर्बाइन्स पे। तो आई जस्ट लव डूइंग व्हाट आई डू, बिकॉज आई जस्ट गेट टू डू समथिंग न्यू एवरी डे। तो एशेस वाज फैबुलस 5-6 years. Then obviously career makes you move places. 5-6 साल बाद काम करके बेन वापस लंदन जा रहा था, तो हमने सोचा हम भी वापस हिंदुस्तान का रुख करते हैं जी। पार्टनर बन के आए ईएलपी में जी। हाँ,
डेढ़ साल रहे वहाँ नरेश और सोहेल के साथ, और काफ़ी अच्छा रहा वो स्टिंट। बट मेरे बेटे के पैदा होने के बाद उसको थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी मेडिकली, तो उस वजह से हमने वापस सिंगापुर आना बेहतर समझा। जी, सिंगापुर का अपना हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा ही माना जाता है काफी उस हिसाब से। जी नहीं, उसको थोड़ा सांस के साथ प्रॉब्लम हो गई थी विद द पोल्यूशन जब पैदा राइट हुआ था, तो उस जी वजह से हमें थोड़ा एग्जिट लेना पड़ा, पर्सनल जी रीजन। तो अगेन एज आई सेड, यू नो, कई बार यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर डेस्टिनी। आई मीन बिलीव मी जयंत, लेफ्ट टू मी आई वुड बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू एट द बार एंड आर्ग्यूइंग, बट माय डेस्टिनी हैड टू ब्रिंग मी हियर, सो आई जस्ट लैंडेड अप हियर। But I would say that Singapore is richer, with you there, and also India with the knowledge and the know-how that you have gathered over so many years. मैं हमेशा लोगों से ये Very कहता हूँ कि small life cog. जी I'm हाँ a very small cog, sir. You're making it out to be much bigger than what we are. नहीं, हम सभी small cog हैं, पर वो cog जुड़ते जुड़ते मशीन सुचारू रूप से चलती है ना, नहीं तो एक cog भी अगर निकल जाए तो मशीन बैठ जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सही जूरिस्प्रूडेंस में सबका योगदान बराबर है। तो ELP के बाद आपने बताया कि आप वापस सिंगापुर आ गए हैं, आज आप पार्टनर हैं फॉरेन बोर्ड में। तो ये बताइए कि जो एशर्स के बाद अब आपका जो बर्ड एंड बर्ड का है, आप इंडिया प्रैक्टिस देखते हैं तो कितना फर्क आप पाते हैं, क्योंकि आपने इतनी जगह काम किया, इतनी फर्म्स में काम किया, देश विदेश में काम किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितना फर्क आपको लगता है यूके, इंडिया और सिंगापुर के काम करने के तरीकों में। देखो, लॉयर लॉयर है चाहे जहां हो, ठीक है। एज फार एज लॉ फर्म्स आर कंसर्न, दे ऑल्सो ऑपरेट वेरी सिमिलरली, राइट? देर इज अ लेवल ऑफ इंटरप्ले। इट्स एट द एंड ऑफ द डे, द मोर सीनियर यू गेट, यू रियलाइज यू हैव टू रन इट एज अ बिजनेस एज वेल। एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे बिकम्स अ प्रॉफिट एंड लॉस, यू नो, बैलेंस शीट। सबकी सैलरीज देनी होती है, ऑफिस का भाड़ा देना होता है, यू नो, तो दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। एज फार एज द डिफरेंस आई थिंक इज लिटिल बिट, नॉट सिग्निफिकेंटली, is the way you see people approach. You see, in India, it's just such a big country, and just the volume is so much that I feel people get just so stressed working, especially in law firm environment, right? It's just because it's a volumes game, right? हमारे पास volume शायद उतना नहीं है। वॉल्यूम है भी तो इट इज पेस्ड आउट अ बिट मोर, मे बी एडमिनिस्ट्रेटिवली द फर्म्स आर रन अ बिट डिफरेंटली, बट दैट डज नॉट मीन द सेम थिंग कि यहाँ अट्रिशन नहीं है लॉ फर्म्स में। भाई, अट्रिशन यहाँ भी है लॉ फर्म्स में, मैंने खुद कुछ नौकरियां छोड़ी हैं। तो आई डोंट थिंक देर इज दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। वट डिफरेंस एक्चुअली, यू नो, लोग, मैंने काफी लोगों को बोलते सुना है कि नहीं यार, फॉरेन लॉ फर्म्स में काम करने का स्टाइल ज्यादा अच्छा होता है ज्यादा। आई थिंक फर्क है, थोड़ा ट्रेनिंग पे ज्यादा समय मिलता है। हम जूनियर लॉयर्स को ट्रेन करने के लिए फॉरेन लॉ फर्म्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया है, राइट? इंडिया में क्योंकि काम इतना करना है, पार्टनर्स के पास इतना वॉल्यूम है काम का, तो वो जूनियर लॉयर्स के पास ट्रेनिंग के लिए उतना समय मिले ना मिले, यू नो, तो वो बस काम कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोडक्ट पे ध्यान उतना शायद जा नहीं रहा है, क्योंकि लोग, बट देन इट इज एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थिंग्स। जैसे मैंने आपको कहा, आरबी राजेंद्र बरोट, सिर्फ 6 महीने मैंने काम किया उनके साथ, पर वो जो एज ए जूनियर लॉयर जितना, वो अगर मैंने कुछ ड्राफ्ट किया है, जैसे अगर एक रिपिटेशन ड्राफ्ट किया है या सूट ड्राफ्ट किया है या कुछ भी ड्राफ्ट किया है, उनके पास समय होगा, वो बुला के साथ में फिर बैठ के रिव्यू करते थे। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि आई हैव वर्क विद सम सीनियर्स हु टेकन दैट टाइम एंड एफर्ट टू वर्क विद मी एंड हेल्प मी, बी इट इन इंडिया और बी इट अब्रॉड, राइट? प्रताप भाई वॉज द सेम एट फ्रेश फील्ड, यू नो, ही इज लेफ्ट सच अ ह्यूज मार्क ऑन माय, एंड देन बेन, हाउ मच आईव लर्न हाउ टू ड्राफ्ट सक्सेसफुली फ्रॉम हिम, आई डोंट थिंक आईव लर्न फ्रॉम एनी वन। हाउ मच आईव लर्न अबाउट हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, हाउ टू थिंक, वॉट नॉट टू से फ्रॉम राजेंद्र, I've not learned from anyone, right? So it is depends on the senior who trains you. But I think अगर एक आपको general एक बात बोलनी है जो मैंने observe की है compared to Indian firm and some of the foreign firms, and I again won't generalize to say all, I would say some Indian firms to some foreign firms, is the amount of time and effort spent by the senior management and as an administrative structure on training of junior lawyers. राइट एक चीज जो आई थिंक हिंदुस्तान में लानी चाहिए, वो बार काउंसिल के थ्रू आए, कैसे आए, इज ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम होना चाहिए। पहले
पहले दो साल आप बच्चों को रोटेट करें, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस ग्रुप्स हैं। अरे कम से कम किसी को पता तो चलने दो उसको क्या ज्यादा पसंद है, राइट वो करना क्या चाहता है। छोटा सा सवाल है अक्षय, छोटा सवाल इसलिए निकल के आता है कि आपको लगता है जो 2 साल का ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ हद तक मैं हमें बढ़ता हूँ पूरी तरह तो नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है ये 2 साल है क्या दैट 2 ईयर्स बी मेड अ पार्ट ऑफ द 5 ईयर लॉ स्कूल करिकुलम, ताकि मुझे लगता है 5 साल बहुत लंबा हो जाता है, तो 3 साल आप लॉ पढ़ाइए और आखिरी के 2 साल ट्रेनिंग कर दीजिए। वेरी ट्रू। ओके सो इन यूके यू डोंट इवन यू डू एन एलपीसी कन्वर्जन इन 1 ईयर। अच्छा जयंत ऑनेस्टली आप एक बात बताओ, जितना लॉ स्कूल में पढ़ा था कितना यूटिलाइज करते हो रियल लाइफ में अब वकील बनने के बाद? वही सबसे बड़ा सवाल है कि मतलब हम कैसे पढ़ा रहे हैं, वही मैं कहता हूँ बच्चों से कि हम क्या बहुत पढ़ा बहुत रहे फर्क हैं? है। ये वही बात हो जाती है हमारे इंडियन सिचुएशन में ना कि आप 10th में अगर नंबर लाते हो और फिर 11th में साइंस पढ़ते हो, जो गैप होता है ना वही लॉ स्कूल और रियल लाइफ का गैप है। नहीं ये बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। आप देखो आपको बेसिक चीजें पढ़नी है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाओ, टॉट पढ़ाओ, ये बेसिक है, प्रोसीजर पढ़ाओ, ये बेसिक एक नॉलेज होने की जरूरत है। बट आपको उसके आगे क्या पढ़ाना है? Can any of our graduates coming out of law schools understand? Do they understand? Say if they were to go into corporate world, do they understand how to look at a shareholders agreement? What are the key points to look in a shareholders agreement or a joint venture agreement, and so on and so forth? Why should we be teaching these things in a law school? Is my question. Correct. Absolutely. Why can't the, I'm talking from a GLC angle. I really don't know what national law school teach, but from what I understand, not very different. करिकुलम तो बार काउंसिल अप्रूव कर रही है सबका, तो वो जब तक फर्क नहीं पड़ेगा तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि पूरे चाहे नेशनल हो नॉन नेशनल हो प्राइवेट हो, आई थिंक ये जो एक आई थिंक एक मैंडेट है ना कि एक, और मुझे पता है सबसे खराब क्या लगता है अक्षय टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब बच्चे आते हैं ना तो उनको जो ब्रोशर का झंडा दिखा देते हैं, देखो ये प्लेसमेंट होगी, ये होगी, फलाना ढिमकाना जो भी, क्योंकि गलत है, क्योंकि आप उनको प्लेसमेंट दिखा रहे हैं पर आप उनको काम करने का तरीका नहीं सिखाते। जब तक काम करने का तरीका बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा तो जो यंग वकील जो मार्केट में आ रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपने भी ये देखा होगा, मैंने भी गौर किया है कि जब इंडियन ग्रेजुएट्स बाहर जाते हैं लॉयर बन के तो वहाँ पे फिर भेदभाव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा वो ट्रेनिंग का और वो जो सिखाने का जो पूरा पर्पज है वो नहीं है। तो आपका अगर 4 साल का भी PQE होगा वहाँ पे घटा के वो आपका -2 कर देते हैं। वो एक अलग रीजन है चाहे, वो भेदभाव इस वजह से नहीं है सिर्फ कि अब मैंने ये भी देखा है कि कुछ फर्म्स नहीं करते हैं, कुछ फर्म्स करते हैं, यू नो इट्स some firms do the lip service of saying we are equal opportunity. Some firms actually are equal opportunity in every in the right sense. But only some, not all. No, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, वही तो हम बोल रहे थे तुमको। ये generalize करना कि हिंदुस्तान में कुछ सारी firms ही training पे ध्यान नहीं देते हैं, ये भी गलत होगा। Because you and I both know there are firms which have in India instituted proper training for their junior lawyers, you know, and they've spent time and money on it. So the generalization does not stand true for each and every firm. I think in fact, जो firms की आप बात करें अक्षय कि जो training देती है, मैं समझता हूँ उनको जो वो बच्चे train कर देते हैं उन बच्चों का भी एक नैतिक ड्यूटी बनती है कि जिस भी लॉ स्कूल से आते हैं या जनरल जिस भी वो jurisdiction में कम से कम वहाँ जाके कुछ पढ़ा लें, मतलब एक विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर। आजकल तो वेबिनार इतने होते हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना हमारे यहाँ टैलेंट है जो कि हम सही यूटिलाइज कर सकते हैं बट नहीं कर पाते किसी वजह से, you know, so that gap needs to be bridged. Look, you have started a great effort. I mean, and you in your own way are educating people by doing these talks. But the fact is, you know, all of us get so caught up in our own personal lives. You know, sometimes even if you have the intention, not able to do. I can give you an example. Like for me, the year I passed out of GLC, I actually went back and taught for a year at GLC. Like, मैं अपनी पूरी जिंदगी में 6:30 बजे उठ के स्कूल कॉलेज गया नहीं हूँ लेक्चर सुनने, पर देने में पहुंच जाता था। You know, आज भी मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, वो फुल टाइम फैकल्टी और वो AZU में पार्टनर भी है और वो फुल टाइम फैकल्टी मेंबर भी है GLC, वो पढ़ा रही है, सोनाली, I mean, I can proudly take him. You know, obviously, I think, सोनाली माथुर, शायद मूच में उससे भी मिले ही होंगे। तो there are people who doing this. The problem is, there was an education revolution brought about by Professor Madhavan when the national law schools came in, the 5-year law school came in. You know, that was a revolution in the legal education. But if you think about it rationally today, the practice of law has evolved a lot. You are a litigator, but the practice of law is much beyond litigation today. Absolutely. In courts, right? And we need to cater our legal education to make people understand what these other avenues. Exactly.
I think yes, there is a huge gap, and that needs to be filled, and that can only be filled if Bar Council recognizes it. When I'm no one to advise Bar Council, I don't have any capacity to do so. But the Bar Council should think about how to revolutionize practical legal education rather than just bookish exam writing. उससे तो कुछ नहीं होता है. मैंने आज तक किसी एग्जाम में कोई नंबर नहीं लाया. भाई मैंने आज तक किसी एग्जाम में कोई नंबर नहीं लाया. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिवाय फाइनल ईयर लॉ स्कूल के जिसमें थोड़े नंबर आ गए थे, जिसमें भी पिताजी परेशान हो गए थे कि बेटा अपने मार्क्स देख के किसी और के देख के आ गए. मार्क्स डोंट मेक दैट इज व्हाट आई फर्मली बिलीव. डोंट डिक्टेट हाउ गुड अ लॉयर यू विल बिकम. बड़ी साफ और साझी बात की अक्षय आपने, उससे मेरे आखिरी के दो तीन सवाल आपसे और निकल के आते हैं. पहला सवाल तो ये है कि आपने इतने दफ्तर बदले और हर जगह कुछ ना कुछ सीखा, तो यंग दर्शकों के लिए आपका क्या एक संदेश, मैं समझूं उससे, कि क्या अलग अलग ऑफिस में काम करना ज्यादा बेहतर होता है या एक ही ऑफिस में टिक के काम करना ज्यादा बेहतर है? एक ही ऑफिस में टिक के काम करना ज्यादा बेहतर होता है. हमें कोई एडवाइस कर देता तो हम वो फॉलो कर लेते. हमें कोई जी. उस एस्पेक्ट पे एडवाइस नहीं किया तो हम थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारे, खुद ही अपना लाइन बनाए. देखो मेरे साथ ना ऑनेस्टली जयंत, ऐसा कोई भी मूव नहीं रहा है जो मैंने किया है जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू, कि मैं कहीं से बोर हो गया. अब लंदन में था, सोनी नहीं आ पा रही थी, शादी करनी थी, उसे भी काम करना था, वो भी वाजिब लॉयर है, तो वो क्यों घर पे बैठे. राइट, हमने सोचा चलो, और मुझे भी उस समय तुरंत सिंगापुर में नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैंने बोला चलो वापिस ही जाते हैं. राइट, लेकिन फिर हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसा सिचुएशन हुआ कि हम हिंदुस्तान में रह के दोनों नहीं रह पाते, और शायद अगर रह लेते तो शादी नहीं हो पाती, तो मुझे आना पड़ा वापस बाहर. अच्छा, आशस में 6 साल काम करने के बाद मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था कि अब मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ, अब मैं नहीं आऊंगा, मैं बस हो गया मेरा बाहर का स्टिंट, अब मैं हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करूंगा. पर जब मेरा बेटा हुआ और 14 दिन NICU में था और उसको सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, तो किसी भी, यू आर अ फादर, you'll be like, what is the best way I can do something to make my kid escape from this issue, right? People won't understand me when I say this, but sometimes you don't, career happens, but personal life is more important. So, tumhare personal life mein jo chal raha hai na, wo tumhare career ko bhi dictate karne lagta hai. Correct. Aur mere saath kafi had tak aisa ho gaya hai. Ki wo personal life mein jo changes the, main se tum aaj bhi puchoge na Jayant, मैं रहूंगा यहाँ पे कुछ और, एक बार मेरा बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाए, मैं वापस हिंदुस्तान आके अपना काला कोट पहन के कोर्ट जाना चाहूंगा जिस दिन हो सके. I do look forward to that day, definitely, you know, with all your, you know, rich experience, you know, from the world over, and I'm sure, you know, Indian jurisprudence will be richer, you know, as and when you know, try to make a comeback. Having said that, let me also come to quickly, you know, conclude the session by putting one more penultimate question. Work from home ka daur hai har jagah. Pandemic फैला हुआ, चाहे आप सिंगापुर में हो चाहे आप इंडिया में हो, तो going forward, what do you think is the future of you know for legal industry, work from home, hybrid model रहेगा या are we going to adopt this going forward? आपका क्या इस पे विचार है? So it depends from practice area to practice area, right? Now I have seen my wife does corporate M&A and real estate financing. She's closed some of the biggest deals now. We've become used to negotiating on Zoom and closing some of the biggest deals, you know, and so I think people have started realizing, clients have started realizing, do I need to spend money to get these guys to travel business class from one city to the other to do stuff? So that's one thing that is a reality. As far as litigation is concerned, the more and more lawyers I speak to, senior lawyers in India, they are loving the fact that they're able to attend multiple hearings in multiple courts. And well, it works well for some, but at the lower court level, that might not work in India because efficiency shayad nahi reh payegi utni. Technology, usage of technology. पर आप वो training फिर यही वो practical बात आती है, right? कि आप training करें ताकि lower court में भी लोग available हो, उनके पास ये infrastructure उठो सो के. What I feel going forward is going to be a bit of an hybrid, where people can use technology. I mean, let's talk about it from an international arbitration perspective. That's what I do. Prior to 2019-2020, I have attended a teen number of conferences talking about digitalization or digitization of arbitration procedures. Right? I mean, it's been talked to death.
but no one was doing it. 2020 came, it's a reality. We were forced to do it. वो क्या बोलते हैं, जरूरत ही आविष्कार की जननी है, राइट? तो वो जरूरत थी, तो सब अब ऑनलाइन हियरिंग कर रहे हैं, हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हियरिंग्स कर रहे हैं. सबसे हार्टनिंग बात तो है कितने सीनियर जजेस हैं, और देख के अच्छा लगता है. आपसे सोचा नहीं होगा कभी कि वो भी ऑनलाइन हियरिंग करेंगे, वो सब ऑनलाइन हियरिंग करने को तैयार है, बिकॉज दे नीड टू कीप द सिस्टम मूविंग. सिस्टम कैन नॉट स्टॉप, ह्यूमैनिटी कैन नॉट स्टॉप, राइट? पीपल नीड टू लिव, दे नीड देयर ऑर्डर्स, दे नीड देयर रिलीफ्स, लाइफ नीड्स टू मूव ऑन. So I think that's what's going to happen. Honestly, people will also question a lot of expenses, especially clients. They have started questioning a lot of expenses. I have clients who had the option to do a physical hearing. They were like, do we really need to? Right. You know, I mean, for the same thing, I was doing a panel discussion the other day on mediation, the impact this has on mediation. A lot of people might think that mediation, you need to be huddled up in a room, you need to have that rapport, and you know, you're going to have that conversation, and you hopefully be able to resolve the dispute in a mediation that way much more effectively. But the head of the chair of the SIMC actually made a point, a very good one, is because of online mediation that's happening now, the key decision makers are able to attend. They don't need to spend a day to travel to another place to a meeting. But the key decision makers are there on the video conference. So all we are doing is pausing for half an hour. But the key decision makers does not need a debrief to make a decision. He's heard it and he's decided what he needs to do to end the dispute and negotiate a settlement. Right. So there's a positive to everything. You know, there's also negatives. You have to make sure that procedure, the due process is followed, that confidentiality is followed, the procedure for proper procedure for cross-examination, for witness sanctity, for those kind of things are maintained. But we're finding ways to do it. Where there is a will, there is a way. आपने बड़ी अच्छी बात बताई, and necessity is the mother of all invention. इतना बढ़िया आपने उसको रूपांतर दिया हिंदी में. एक छोटा सा सवाल और कर देता हूँ बिफोर वी कंक्लूड द सेशन. अक्षय, बच्चे इतना हमेशा पूछते हैं, और मैं समझता हूँ यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन. आप आर्बिट्रेशन करते हैं, क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल डिस्प्यूट्स आप देखते हैं, कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं. तो जो बच्चे या जो नव हमारे नव युवती जो वकील भाई बंधु हैं, जो ये सब करना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई कोर्स है जो परसू कर सकते हैं, या कोई आप रेकमेंड करेंगे उनको, ऐसा कोई सेमिनार या वेबिनार जिसका वो पार्ट बन के कंस्ट्रक्शन के बारे में स्पेशली और आर्बिट्रेशन में सीख सके? सो देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ, राइट? सो देयर इज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स व्हिच इज रन आउट ऑफ लंदन, बट देयर इज अ चैप्टर इन एवरी कंट्री. इंडिया हैज वन एज वेल. Vyapak Desai, Nusrat Hasan from Link Legal, they I think are helming the India chapter at CIAB right now. But they have membership for students as well. So you can get a part of that, attend seminars, attend regular talks to learn about different topics in relation to arbitration through that. CIAB is one such platform. As far as construction is concerned, the Society of Construction Law, which does regular, which again has global chapters. There's an India chapter as well. I think Montek Mayan from FTI. I'm dropping these names so that people can look them up. And please don't write emails to them. The reason why I'm dropping these names is so that people who are listening in can become familiar who these people are, and these people will be more than happy to guide. You know, I know these people, right? But as Jayan says in his LinkedIn post, there is a way to reach out to people. Please follow the decorum. Please follow the proper procedure. Most of these platforms have a website. So go look them up. They'll have headline mails. You can write to them and get become members. It would be, I encourage students whoever speak to me to become part of these. As far as if you want to do a course, there's obviously MIDS in Geneva, which has a full-fledged arbitration course. I think NUS runs one as well now, an arbitration center focused LLM. There is one very famous one in Pepperdine University in California, which also has an arbitration specialization. Otherwise, you do other, like I did a tax LLM, never practiced tax law after that. I did arbitration. But besides the 18 credits needed for me to get my tax LLM,
the remaining 12 credits were all international arbitration related. Because for me, tax happened again because I got the scholarship. So I said, ये कर लेते हैं बट पता तो था कि द एंड ऑफ द डे बिग फोर अकाउंटिंग फर्म में जाके टैक्स लॉ का काम नहीं करना है तो ये तो पता ही था तो यू मेक डू विद व्हाट यू गेट यू नो सो दैट्स व्हाट सो इफ यू वांट टू डू मास्टर्स एंड फील फ्री टू ड्रॉप मी अ लाइन इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट हाउ टू गो अबाउट getting more exposure. I'm always willing to answer. I think I entertain at least 4 or 5 calls a month from students who are seeking further guidance on what to do. जी, thank you so much, Akshay. आपने इतनी बढ़िया बात की और हमारे young जो दर्शक हैं उनको आपने प्रोत्साहित भी किया. जब एक clarification आप चाहूँगा, when you say drop a line, do you mean a DM on LinkedIn or a proper email that you may have somewhere that they can? Emails are better. You know, LinkedIn is something you're not always on. So if there's an email, I'll at least put it on my follow-up box. And whenever I'm free on a Sunday or something, I'll start responding to those emails. Plus, I think because you're a board and board partner, so I'm assuming there's probably your email. My email address is available on the website. जी, तो आप जो भी दर्शक इसको सुनेंगे बाद में जब भी हम इसको अपलोड करेंगे वीडियो, तो आप सभी से अपील है, गुजारिश है कि अक्षय को बम्बार्ड ना करें, प्लीज वैलिड सवाल पूछें, क्योंकि ही इज अ सीनियर पार्टनर, ही इज अ बिजी पर्सन, ही इज अ बिजी लॉयर, और जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन गाइडेंस रिलेटेड है, और अक्षय इज मोर देन हैप्पी टू गाइड यंग पीपल. और जैसा हमने कहा कि इस चैनल के थ्रू हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप तक ऐसे लोगों को लाएं जो समाज के निर्माण में मदद करना चाहते हैं. अक्षय में से एक हैं. अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमसे जुड़े, इतनी बढ़िया बढ़िया आपने अपनी बातें रखी हम तक, दर्शकों तक. और इस प्रोग्राम को अंत करने से पहले हमेशा एक हमारी औपचारिकता होती है, मैं क्लोजिंग कमेंट्स मांगता हूँ अपने मेहमानों से, और उस क्लोजिंग कमेंट में हमेशा ही कहता हूँ कि हमारे जो यंग दर्शक हैं उनके लिए कुछ बातें रखें. लेकिन जब मैं यंग दर्शक कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं होता, मेरा मतलब उन लोगों से भी है, वो आर यंग एट हार्ट एंड यंग इन माइंड. तो क्या कहना है आपको उन सबके लिए? भाई, यंग तो हम और तुम भी हैं. तो और पहली बात, मैं सीनियर पार्टनर नहीं हूँ, जुमा जुमा पार्टनर बनाओ. मैं क्लोजिंग कमेंट्स, आई मीन आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, यू नो, वांट टू मेक एन इंटरनेशनल करियर, वी वांट टू, यू नो, हाउ कैन वी गेट अ जॉब, यू नो, एलएलएम. पहली बात, एलएलएम इस एम से मत करो कि तुम्हें सिर्फ इंटरनेशनल जॉब चाहिए. एलएलएम इस एम से करो कि तुमको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. अगर वो इंटरनेशनल जॉब होती है एट द एंड ऑफ इट, दैट इज योर हार्ड वर्क एंड सम ब्लेसिंग्स फ्रॉम द ऑलमाइटी. एंड अ लॉट ऑफ इट इन द लीगल प्रोफेशन, एंड नॉट जस्ट जयंत, एनीवन हुज बीन हियर एंड डन दिस विल से देयर आर टाइम्स ऑफ हाइज, देयर आर टाइम्स ऑफ लोज. A lot of times when you, I mean, even if you're litigating counsel, you don't win every case, right? And if you are a person working in a law firm, not every day is as stressful and not every day is as relaxed. You have to be at the right place at the right time. But to be at the right place at the right time, you have to plan. And you have to know what you want to achieve. So until unless you know what you want to achieve at the end of what you're trying to do, and you know how to get there, you're never going to be at the right place at the right time. So it's a combination of both, right? So never give up. I swear to God, anyone who speaks to me, I'm like, my career is a living example of not giving up. Thank you so much, Akshay. For a guy who comes from Barauni, from a guy who comes from Barauni, it's a long journey. It is. And when you look back, you just see how much you have accomplished over the years and going to accomplish going forward. I don't think I've accomplished anything, but I'm grateful to God for putting me in a place where you asked me to talk to you. नहीं, अच्छा. और इसका निर्णय हमारे दर्शक करेंगे कि आपने कितना अकम्प्लिश किया कि नहीं, ना मैं ना आप. मेरे हिसाब से आपने काफी किया और करते रहेंगे, ये मेरे ईश्वर से कामना है. प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आपके परिवार में सभी लोग को मेरी शुभकामनाएं आप जरूर दीजिएगा. और अपने दर्शकों से मैं जाते जाते अपील जरूर करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी मुहिम समझ आती हो, हमारा चैनल समझ आता हो, और आपको लगता है इसमें अच्छी बातें होती हैं, ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, तो दूसरों तक भी इसको फैलाएं. झिझकिए मत, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून. थैंक यू सो मच, जयंत.